अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम? यकीन है खैरियत से होंगे, बारिश एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे यकीन है। हाँ जी बिल्कुल, छुट्टियां एंजॉय करें क्योंकि बड़ा टफ टाइम के बाद ये छुट्टियां मिली हैं आप तमाम को। ईद की छुट्टियां एंजॉय करने के बाद आपने सिर्फ छुट्टियों को एंजॉय ही नहीं करना, बल्कि जैसे कि क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, ठीक है, आप छुट्टी इंजॉय करें, पिकनिक मनाएं और भी दीगर तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करें, लेकिन साथ ही साथ आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपने छुट्टी सिर्फ इंजॉय ही नहीं करनी बल्कि आपने छुट्टी को यूटिलाइज भी करना है। वो यूटिलाइजेशन किस तरह से होगी, आप डिफरेंट कोर्सेज करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर अकाउंटिंग के हवाले से भी क्लास में भी बताया पिछले दिनों आप लोगों ने, मेरी व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोर्स हम 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने ये भी ज्वाइन करना है। और इसके साथ इसके अलावा दीगर कोर्सेज भी आप करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज भी आप करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो ये कोर्स है इसके हवाले से एक कम्प्लीट गाइडलाइन आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में ज़ाहिर आपको मैं दूंगा। तो इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग, तो ऑलरेडी हम पिछले कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो अकाउंटिंग जो कि हम फिजिकली रजिस्टर्स में करते थे, तो अब चूँकि हम डिजिटल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो काफ़ी फ़र्क है, बहुत खासा फ़र्क है इसके अंदर। तो डिजिटल अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, तो इस पे ज़रा सा ये जो है आप पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैनुअल अकाउंटिंग जो है वो काम जो हमने फिजिकली रजिस्टर्स में किया, अकाउंट्स के बुक में जो काम किया, बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हमने मेंटेन किया, दैट वॉज मैनुअल अकाउंटिंग। अगर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग की तरफ आ रहे हैं तो ये अकाउंटिंग कैसा सिस्टम है जिसके अंदर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, और इसके अंदर हम अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कि सिखाऊंगा, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पर काम करना बताऊंगा, जो कि मोस्ट कॉमन और काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर हैं सारे। क्विक बुक है, ठीक है, टैली का सॉफ्टवेयर अलग है, पीएचपी अलग है, तो ये चीज़ें हैं तो जिससे पहले बात होगी और उसके बाद फिर हम जाहिर इस पे काम सीखेंगे वन बाय वन वन बाय वन, राइट। पहले पीएचपी पे हम इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, उसके बाद क्विक बुक पे हम काम करेंगे कम्प्लीट, और इसके जो कम्प्लीट कोर्स आउटलाइन है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, फिर टैली के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। ये तीन मेजर सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करने के बाद इसके अलावा कुछ चंद चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद ये होगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग की जो है वो यूज़ कर सकते होंगे। इवन दैट कि कंपनी का अगर अपना सॉफ्टवेयर है तो आप उस सॉफ्टवेयर पर भी काम कर सकते होंगे, क्योंकि एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी इन तीन सॉफ्टवेयर्स को करने के बाद इंशाल्लाह। तो जैसे कि पीएचपी सॉफ्टवेयर है, मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि हम क्लास शुरू करेंगे तो पीएचपी से ही हमारी इंशाल्लाह जो है वो कोर्स का आगाज़ होगा। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, ये पीएचपी सॉफ्टवेयर मैं ऑन कर रहा हूँ, आप तमाम मोबाइल्स में लैपटॉप्स पे मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है जिसमें मेरे पास जो सेटअप है वो काफ़ी एडवांस है, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी और डिस्टर्बेंस इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि अब चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। हाँ अलबत्त इसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो सही होने चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, ये पीएचपी का सॉफ्टवेयर जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें अब दो ऑप्शन दे रहा हूँ, अपन एग्जिस्टिंग कंपनी, क्रिएट ए न्यू कंपनी। तो एग्जिस्टिंग कंपनी में अगर मैं जाता हूँ तो मेरी जो पहले की बनाई हुई कंपनी इसके अंदर है तो उस पर मैं काम शुरू कर सकता हूँ, लेकिन हम तो पहले डायरेक्ट कंपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू कंपनी ज्वाइन करेंगे। इसके स्टेप्स हम फुलफिल करेंगे, स्टेप्स फुलफिल करने के बाद कंपनी का नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है, तो कोई भी नाम एक्सपायरी डेट हम लिख सकते हैं यहाँ। एसएस कैशर्स या एंटरप्राइज, ऑलराइट। और इस पे जो ऑप्शन है आप ये टिक करना है आपने, बिल्ड योर ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो हम खुद बनाएंगे, क्योंकि जो अकाउंट्स हमें चाहिए वो सारे अकाउंट्स हम खुद क्रिएट करेंगे,
और पूरी अकाउंटिंग, क्योंकि हमने अपनी कंपनी की खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, तो इस वजह से इस ऑप्शन को हम टिक करते हैं, राइट। ओके स्टार्ट, ये कंपनी बन रही है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन डिफरेंट, आपने दायरा अकाउंटिंग आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा हर क्वेश्चंस में अलग अलग कंपनी का नाम, अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, तो जो नाम होगा हम उसी नाम से डायरेक्ट कंपनी को क्रिएट करेंगे और फिर उस कंपनी की पूरी अकाउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास डिफरेंट असाइनमेंट्स बने हुए और उन सारे असाइनमेंट्स को जो है हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक 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 सॉफ्टवेयर के लिए 15 15 20 20 असाइनमेंट्स हैं, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो फिर जाके ये कंप्लीट, जो इसके स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह फिर वो चीज़ें हमारी क्लियर होंगी असाइनमेंट्स के बेस पर। वो असाइनमेंट्स ज़ाहिर है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ऑनलाइन भी, और इसके अलावा मैं आप तमाम को सेंड भी कर दूंगा, कुछ ऐसे लिंक से वो मैं प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, ये तो बहरहाल एक डेमो में आप तमाम को दिखा रहा था कि इस किस तरीके से सॉफ्टवेयर पर हमने काम करना है, तो इंशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर है, इस पे काम इंशाल्लाह हम 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद क्लास ज्वाइन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसेस आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। वो मैं आप तमाम मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट करें और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह उनको जो इसके आगे के प्रोसीजर है वो मैं सेंड कर दूंगा, उसके बाद फिर आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग हमने रात 9 से 10 का रखा है ताकि उस टाइम पे हम तमाम अपने दीगर जितने भी काम और एक्टिविटीज़ हैं उससे फ्री हो जाएं, तो इंशाल्लाह उसको क्लास तो आप तमाम इजीली ज्वाइन कर सकते होंगे, किसी भी तरह की इंटरप्शन नहीं होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।